दोस्तों कुछ लोग ऐसे हैं जो 200 से 300 के लिए अपना सारा डाटा शेयर कर देते हैं। दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं अपस्टॉक डीमैट अकाउंट के बारे में। दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना मतलब का वहां पे अकाउंट बना के अपना सारा डाटा शेयर कर देते हैं सिर्फ 200 से 300 के लिए, और ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं दोस्तों। हे गाइस, दिस इज सेवान अंसारी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि अपस्टॉक के अंदर बहुत सारे लोग डीमैट अकाउंट बना रहे हैं और अपना सारा डाटा शेयर कर दे रहे हैं, और गाइस आप इस डीमैट अकाउंट को कैसे क्लोज कर सकते हैं गाइज, उसके बारे में मैं आज इस वीडियो के अंदर इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। और आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं, क्यों इसको जानने के लिए दोस्तों हमारे इस वीडियो में आप आज तक बने रहें, और अगर आप चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम जमान सर 43 से जाए उसे फॉलो करें। तो चलिए हमारे इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा अपस्टॉक ऐप के बारे में। तो मैं बता दूं ये एक ट्रेडिंग ऐप है जिसमें बहुत सारे लोग शेयर में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और वहां से बहुत सारा पैसा कमाते हैं और बहुत सारे लोग गंवाते भी हैं। तो गाइज मैं बता दूं ये जो ऐप है वो जेन्युइन ऐप है, ये गलत ऐप नहीं है। इसका अपना सारा टर्म एंड कंडीशन है जिसे लोगों को पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही इस ऐप के अंदर अपना शुरुआत करना चाहिए, अपना बिजनेस करना चाहिए या फिर इसे इंस्टॉल करना चाहिए या फिर इसके अंदर अपना डीमैट अकाउंट बनाना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसे बिना पढ़े बिना समझे और यहाँ पे अकाउंट बना लेते हैं, और उनको ये पता नहीं होता है कि इस ऐप के अंदर मेंटेनेंस चार्जेस क्या है, मंथली में आपको कितने पे करने पड़ेंगे, सालाना कितने पे करने पड़ेंगे, ये सारा कुछ उनको कुछ भी नहीं पता रहता है। और सिर्फ वो किसी के कहने पे कि यहाँ पे अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल करोगे और किसी को करवाओगे तो यहाँ पे आपको 200 से 300 रुपये मिलेंगे या फिर 500 रुपये मिलेंगे, और यही चीज के कारण बहुत सारे लोग इस ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं और वो बहुत बड़ा गलती कर देते हैं। गाइज मैं बता दूं अगर कोई ट्रेडिंग करने के लिए इस ऐप को इंस्टॉल कर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है उसके लिए। वो कर सकता है क्योंकि वो ट्रेडिंग करना चाहता है और वो इस ऐप के अंदर ग्रो होना चाहता है। लेकिन अगर कोई बंदा सिर्फ 200 से 300 के लिए इस ऐप को इंस्टॉल कर रहा है तो वो बहुत ही बड़ा गलती कर रहा है, क्योंकि अगर आप इस ऐप को सिर्फ इंस्टॉल करके छोड़ देंगे और अगर आप यूज नहीं भी करेंगे तो भी आपको मंथली मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा, और अगर आप नहीं देंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। वो प्रॉब्लम क्या होगा मैं आपको आगे में क्लियर करने वाला हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा रेफर एंड अर्न के बारे में। बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो अभी चला रहे हैं कि अगर आप इसे रेफर एंड ये करेंगे रेफर करेंगे तो यहाँ पे अपस्टॉक आपको 500 रुपया देगा, लेकिन अभी अपस्टॉक जो है वो 500 से कम करके वो अभी 300 रुपया कर दिया है, और अभी पर रेफर पे वो 300 रुपया दे रहा है, और इसी के कारण बहुत सारे लोग लाखों लोग इंडिया के अंदर इस ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं सिर्फ रेफर एंड अर्न करने के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूं, अगर आप यहाँ पे अकाउंट बना रहे हैं, अकाउंट बनाने के बाद सबसे पहली बात तो आप ये करेंगे अपना मम्मी का अकाउंट को ऐड करेंगे, अपने पापा का ये अकाउंट बनाएंगे, अपने भाई का अकाउंट बनाएंगे, यानी कि घर में ही आप अपने 4-5 लोगों का अकाउंट बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ से आप लोगों को 300-300 रुपया आने हैं। अगर आप 5 लोगों का भी कर लेते हैं या फिर 10 लोगों का भी कर लेते हैं तो यहाँ पे 3000 रुपया आपके पास आने वाला है। तो जैसे आप वो 3000 के लालच में अकाउंट बनाएंगे, और अकाउंट बनाने के बाद जाहिर सी बात है कि आप सिर्फ रेफर और अर्न के लिए ही आप इस ऐप को इंस्टॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे उसको कंपनी नहीं जानेगी और आपका ऐप ओपन हो चुका है, इसलिए आपसे कंपनी चार्ज करेगी पर मंथ GST के साथ 29 रुपया 50 पैसा। अगर आप इसको सालाना जोड़ेंगे तो ये होगा 354 रुपया, यानी कि आप लोगों को 354 रुपया सालाना यहाँ पे करना पड़ेगा। क्यों पे करना पड़ेगा? क्योंकि ये इसका मेंटेनेंस चार्ज है, आप यूज करें या ना करें तब तक जब तक आप इस अकाउंट को क्लोज नहीं कर लेते हैं। तो गाइज मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कंपनी को अगर आप कॉल करेंगे, मैं यहाँ पे कंपनी का नंबर भी दे देता हूँ, आप यहाँ से अपना क्लियरिटी ले सकते हैं। लेकिन गाइज मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जब आप कंपनी को कॉल करेंगे तो वो कंपनी कहेगी कि आपका जो यहाँ पे डीमैट वाला अकाउंट है सिर्फ वहीं से पैसा कटेगा, आपके डायरेक्ट अकाउंट से पैसा नहीं कटेगा। चलिए ये थोड़े देर के लिए सिक्योरिटी हो जाता है मन में, लेकिन कंपनी का कहना ये भी है कि आपका जो अमाउंट माइनस हो जाता है अगर आप एक साल के अंदर 354 रुपया पे नहीं किए तो वो पैसा आपको यहां पे करना ही पड़ेगा एनी हाउ। अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट किसी भी हालत में क्लोज
नहीं होगा, आप अपने अकाउंट को बंद नहीं कर पाएंगे। इन केस अगर ऐसा होता है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए और ऐसा शायद नहीं होगा, ये कंपनी का भी कहना है, लेकिन आपको जो कंपनी जो है वो आपका यहाँ पे आधार कार्ड ले लेती है, वो भी विथ OTP, जिस आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन है वही वाला आधार कार्ड का जो है वो नंबर वहाँ पे रजिस्टर्ड होगा। तो सोच के देखिए, आपका यहाँ पे आधार कार्ड के साथ OTP के साथ क्लियर हो जाता है, आपका आधार कार्ड भी कंपनी ले लिया, पैन कार्ड भी कंपनी ले लिया, उसके बाद आपका अकाउंट भी कंपनी ले लिया, उसके बाद अकाउंट लेने के बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर भी कराया जाता है, यानी कि आपका सारा डाटा कंपनी ले लेती है। और ये आपके लिए बहुत ही दुख की बात है, अगर आप ये 200 से 300 के लिए कर रहे हैं तो ये आप बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये 200 से 300 के लिए आप इतना बड़ा डाटा आप अपना शेयर कर दे रहे हैं तो ये भाई अच्छी बात नहीं है मेरे लिए। बाकी आप लोगों के लिए क्या है वो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरा ओपिनियन है कि आप लोगों को इतना ज़्यादा डाटा शेयर नहीं करना चाहिए। तो गाइज इसी तरीके का कुछ है। तो गाइज मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूं कि अगर आपने गलती से ओपन कर लिया और अगर आप ट्रेडिंग करना नहीं चाहते हैं और आपको लग रहा है कि भाई मेरे से गलती हो गया, बहुत सारे लोग तो ट्रेडिंग करेंगे उनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये अप स्टॉक जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा ग्रो भी कर रहा है, लोग यहाँ से अर्न भी कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस अकाउंट को, डीमैट अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं तो वो कैसे करना है मैं आप लोगों को बता दूं। मेरे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक है और इस लिंक के अंदर आप लोगों को एक फॉर्म देखने को मिलेगा, अगर उस फॉर्म को आप फिल करेंगे और वहाँ पे किस तरीके से फिल करना है वहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ है, तो उस फॉर्म को फिल करके उसे सबमिट कर दीजिए, रिक्वेस्ट कंपनी के पास चला जाएगा तो आपका जो डीमैट अकाउंट है वो बंद हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि वो कंपनी का कहना है कि आपको मेल करना पड़ेगा, फिर मेल का रिप्लाई आएगा, फिर इसी प्रोसेस से आपका डीमैट अकाउंट जो है वो बंद होगा। इतना आसान नहीं है बंद होना, क्योंकि ओपन होने टाइम तो बहुत सारे कंपनी से कॉल आएंगे, आपको सपोर्ट किया जाए कि ऐसे ओपन करना है, लेकिन क्लोज करने के टाइम थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है आप लोगों को। और गाइज मैं बता दूं आप लोगों को, यहाँ पे हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक और है, वो है अपस्टॉक का टर्म एंड कंडीशन के बारे में, तो आप उसे जाइए पढ़िए और समझिए कि क्या क्या अपस्टॉक टर्म एंड कंडीशन दे रही है और आपसे कितना मंथली चार्ज करेगी, वो सारा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारे डिस्क्रिप्शन के टर्म एंड कंडीशन वाले लिंक में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर लीजिए। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं तक था और मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि बहुत सारे लोग बिना सोचे समझे अपना डीमैट अकाउंट बना रहे हैं, तो गाइज मुझे ऐसा लगता है कि उन लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा हेल्प मिला होगा और मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया भी लगा होगा और हेल्पफुल भी रहा होगा। तो गाइज अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम जमान सिर्फ 43 आपसे जाएं उसे फॉलो करें और गाइज अगर आप चाहते हैं आपके टॉपिक में वीडियो बने तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मुझे लगेगा जिस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।